एंट्री कर ली है बताइएगा। हमको पता है कि ऐसे ही मारते पीटते हैं, सोचते हैं भले मर जाएगी हम दूसरा शादी कर लेंगे। तुरंत मारपीट के तुरंत रोलाना शुरू कर देते हैं सब। कैसे बार बार बोल रहे थे कि अभी जब तुम्हारा तबीयत खराब नहीं रहा था ना तब तुमको दिखाते करना। देखिए दोस्तों ये मारिए ना क्या होगा, भले मर जाएंगे आराम से दूसरा शादी कर लीजिए। वो डॉक्टर साहब इनको अपने पास बैठा के सारा चीज़ दिखाए और डॉक्टर ने सहबा जी जहाँ पे हम दवाई लेते हैं वो इनको सारा चीज़ बैठ के बताया। अब हाय दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब, आशा करते अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अभी देखिए आप लोग जाके मन्नू बारूद पे देखिएगा कि हम सुबह में ऐसे आप लोग को सच्चाई नहीं दिखाते थे उस दिन से, लेकिन आज दिखाए कि खाने वक्त किस तरह नौटंकी किए हैं। हम उस पर वीडियो बनाए और अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोग जाके उस पर देखिएगा दोस्तों। जो कि देखिए मान के चलिए जो कुछ नहीं जानते हैं वो अगर जो इस तरह का करते हैं ना तो उस पर जो है ना छजने वाला है। और जिनको सारी बातें डॉक्टर जी बताए हैं, मान के चलिए हमको अकेले बताते, हमारे गार्जियन नहीं सुनते, नहीं अपने आँख से देखते, अपने कान से नहीं सुनते, तो अलग बात है कि हम पे गुस्सा झाड़ना उनका जायज़ था, हम भी समझते हैं। और डॉक्टर साहब डॉक्टर ने जी उनको अपने पास बुला के मम्मी को भी उनको भी, जो कि हम कभी भी जाते हैं डॉक्टर के पास तो अकेले नहीं जाते हैं, आप लोग देखते करते हैं दोस्तों, एक ना एक शॉर्ट तो हम बना के डाल ही देते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा कि जो कि आप लोग से छुपा होगा। जब भी जाते हैं तो आप लोग देखते करते हैं, तो जब भी जाते हैं तो हम और मम्मी, हमारे हस्बैंड जी और कोई साथ में रहते हैं तो जाते हैं, नहीं तो हम हमारे हस्बैंड जी और कोई साथ में रह के जाते हैं। और इनको अपने एकांत में बैठ के बुला के अल्ट्रासाउंड जो भी जितना भी चीज़ करवाए ना डॉक्टर जी, इनको अपने पास बुला के, जो कि अल्ट्रासाउंड में किसी को नहीं देते हैं बैठने के लिए, सिर्फ जो पेशेंट रहते हैं ना सिर्फ वही जाते हैं, इनके बाद जो रिपोर्ट में आती है वो देखते हैं गार्जियन। लेकिन मेरे में डॉक्टर जी अल्ट्रासाउंड भी जहाँ किए अपने पास इन हमारे गार्जियन को हमारे हस्बैंड जी को वहाँ पे बुला के बैठा के सारा चीज़ दिखाए। जब इतना और जितना कुछ निकला तो जहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए वो डॉक्टर साहब इनको अपने पास बैठा के सारा चीज़ दिखाए और डॉक्टर ने सहबा जी जहाँ पे हम दवाई लेते हैं वो इनको सारा चीज़ बैठ के बताया। अब बताइए मेरी गलती कहाँ पर रही, जब ये सारा चीज़ जानते हैं इनको इनका शरीर में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर जी हमको क्या बोले हैं, क्या दिखाए हैं, नहीं दिखाए हैं, कैसे बोले हैं उनको रहने के लिए, जब गार्जियन हो के वो नहीं बताइए। आप लोग दोस्तों अगर जब हम इस वीडियो में कोई गलत बात बोलते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा और क्षमा कर दीजिएगा आप लोग। अगर जो कुछ नहीं जानते ना तब हम पे गुस्सा झाड़ते तो एक बात बनती थी कि चलिए भाई हम अपने आप में नौटंकी कर रहे हैं, हम नहीं बना के देते हैं, तब होता। जब सारा चीज़ आपको बताए हैं फिर भी आप इस तरह का नौटंकी करते हैं, हम अपने दोस्तों बताइए, हम ऐसे इंसान थे ना, मेरा इतना जीव पतला है कि अगर जो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता ना अपने से खुद हम बना के खाते थे, हम अगर जो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था तुरंत बोल देते। लेकिन अभी का टाइम है मेरा शरीर उस तरह है, बोले नहीं ज़्यादा चलने के लिए, खाना भी बनाएंगे उसमें ज़्यादा चलना ही पड़ेगा, बैठेंगे भी तो फिर भी उसमें वजन उठाना ही पड़ेगा, तो हम क्या करें, मेरी बस की बात है हम उनको एनी टाइम अच्छे अच्छे बना के दें। जब न तब बहुत अच्छा रहते, जो भी मिलता वो हमको समझाते, जब हम उन पर गुस्सा झाड़ने लगते कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें तेल ज़्यादा पड़ गया और दिन वाला खाना दे दिए, तो वो हमको समझाते कि देखो जो भी चीज़ मिलता है ना आगे में जब खाना आ जाता है तो अच्छा से खाया पिया करो, ठीक है, इस तरह का नौटंकी मत करो, खाना शरीर में लायक नहीं करेगा। अगर जो वो नौटंकी करते तो तब क्या करें हम, सारा चीज़ देखते हुए अभी दिखाया आप लोग को और कैसे करके झाड़े, कैसे बार बार बोल रहे थे कि अभी जब तुम्हारा तबीयत खराब नहीं रहा था ना तब तुमको दिखाते बार बार, आप लोग सोच सकते हैं। और अभी घर से निकल गए, जब भी उनको घर से निकलने का गए, जब भी उनको घर से निकलने का मन होता है ना तो इसी तरह नौटंकी करते हैं, नहीं तो आराम से जो भी चीज़ मिलेगा आराम से खा लेंगे। हमको सब पता रहता है कि वो क्या करने वाले नहीं करने वाले, हम उनका पत्नी हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे,
भले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब व्यू पाने के लिए नौटंगी करते हैं, ऐसे नहीं दोस्तों। अगर जो हमको व्यू पाना रहता ना तो हम रोज का रोज नौटंगी देते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, हम कितने दिन से आप लोग जाके देखिए नहीं वीडियो पड़ रहा। और YouTube की तरफ से कॉल भी एक दो आया है कि आप का रीच बहुत डाउन हो गया है, आप वीडियो समय से क्यों नहीं डाल पाते। तो उनको हम सारी समस्याएं बताए हैं कि मैम इस तरह हाल हो गया है इसलिए नहीं डाल पाते हैं, तो और लाइव सब भी नहीं आते थे, बहुत सारी बातें बताए हैं उधर से जो कॉल किए। इतना अगर जो नौटंगी करने का रहता तो रोज़ हम नौटंगी करके डालते हैं। कल दोस्तों गए थोड़ा सा मार्केट, वहाँ से ही हालत ख़राब हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो एडिटिंग कर नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग ज़्यादा लंबा करके वीडियो नहीं बनाते। नहीं तो पहले आप लोग देखते ही थे, हम जितना काम करते थे वही साथ हम काम करते थे और वही साथ अपना सारा घर का वीडियो एडिटिंग करना डालना शॉर्ट वगैरह जितना भी चीज़ होता था सारा काम करते थे। लेकिन अभी के टाइम में एक भी काम नहीं हो पा रहा है। जब हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो उसमें भी हमको डांट सुनना पड़ता है। आप लोग को नहीं बताते थे क्योंकि हमें बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए हम आप लोग को नहीं बता रहे थे। गेम थोड़ा सा मन पूरा ऑलबॉल करने लगता है, सोचते हैं कि चलिए भाई गेम वेम खेलेंगे ना तो थोड़ा सा मन को राहत रहेगा। लेकिन उसमें भी बोलने लगते हैं कि तुमको काम पे ध्यान नहीं रहता है, कौन है तुम्हारा गार्जियन, तुमको कौन देगा, हम तुम हो ना, तुम नहीं समझेगी तो कौन समझेगी। हमको सब पता है, सब पता है कि सिर्फ सोशल साइट से जितना भी इनकम आता है ना उससे हम लोग का घर परिवार चलता है। अगर जो कुछ भी सट गया कुछ भी हो गया तो हम दोनों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, हम मेरी तबीयत सही रहता तो आप लोग देखवे करते, हम आगे कैमरा करके भी वीडियो बनाते हैं, अपने से खुद डालते हैं। जब मेरी तबीयत ही सही नहीं रहेगी, मेरी शरीर ही सही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, बताइए दोस्तों। आप लोग बहुत मजबूर हैं, क्या करें, हम नहीं करें समझ में नहीं आता है दोस्तों। इसी तरह आप लोग बने रहिए और बहुत सारी बातें हैं जो अभी आप लोग को हम बताएंगे। और दोस्तों अभी आ गए हैं वो, ठीक है, इतना नौटंकी करने के बाद आ गए हैं। अब फिर लोग क्या बोलेंगे कि आरती जी झूठ बोलती है कि मोनू जी भागे ही नहीं, और आरती जी जो है बोल रहे कि मोनू जी भाग गए। अभी जस्ट आए, कहीं से खा के आएंगे लिट्टी समोसा, जो बाहर का खाना खा ले उनको घर का थोड़े अच्छा लगेगा। घर का अच्छा लगता था हम बना के देते थे। हम देखिए दोस्तों जो भी बात बोलते हैं ना भले आदमी को बुरा लगे मुँह पे बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए हम दुनिया में इतना ज़्यादा बदनाम है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तभी आप हम वीडियो भी बनाए थे कैसे रोटी सब्जी छोड़ के भागे थे। तो क्या हो गया, हम भागे थोड़ी, भागे नहीं थे, भागे नहीं थे। फिर देखिए देखिए आप बार बार यही करते हैं, इसलिए ना बोलते हैं मोनू जी ने आरती को बहुत मारते हैं पीटते हैं, है? तभी भी आप क्या बोल रहे थे, नहीं देखिए वो बात अलग है, लेकिन तभी भी क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं रहता तब दिखाते तुमको, बार बार आप यही बात बोल रहे थे। इससे आदमी तब ने लोग कहते हैं कि मोनू जी आरती को बहुत मारते हैं, है? आप ही ने बोले थे, अभी भी देखिए इनका सोंठ डंटा हाथ में है, ये लो, ये लो, अपने आप को मारते हैं। इससे इससे क्या होने वाला है देखिए। हाँ ऐसे ही हरकतें एनी टाइम करते रहते हैं हम। देखिए आए सिवा भी भांजा है, उनको भी इधर उधर करके बस तुरंत रहेंगे हंसी मजाक में, ऐसा कर देते हैं कि लगता है कितना बड़का काम कर दिए हैं ये, तुरंत मारपीट के तुरंत रोलाना शुरू कर देते हैं सबको। ये हरकतें अच्छा नहीं लगता, देखिए वहाँ के कितने कारण है, देखिए दोस्तों ये मारिए ना क्या होगा, भले मर जाएंगे आराम से दूसरा शादी कर लीजिएगा। ऐसे भी लोग दोस्तों आप बताइए, चोट लग रहा है, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मोनू जी दूसरा शादी कर ली है, बताइएगा। हमको पता है कि ऐसे ही मारते पीटते हैं, सोचते हैं भले मर जाएगी हम दूसरा शादी कर लिया, दूसरा शादी कर लिया, आप यही सोचते हैं कि इनको मारेंगे पिटेंगे, भले इनका तबीयत खराब है, ये है कितना ज्यादा बीमारी है, मर जाएगी हम शादी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह बने रहिए, मम्मी जी उधर से आवाज दे रही है कि ज्यादा जोर से मत बोलो नहीं तो तुमको डांटेंगे। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को हम छोटा सा ब्लॉग है इसी में आप लोग ढेर सारा प्यार दिला दीजिए, और ये वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और जो भी सच्चाई होते हैं आप सबसे हम शेयर करते हैं। और आज मेरी तबीयत सही है, आज सुबह से बहुत सारे काम किए हैं, अपने आप को नज़र लगाते हैं, कल भी नज़र लगाए शाम में पिरा दिया, ठीक है, अपने आप किसी से नहीं लगता, अपने आप को खुद से लगता है नज़र, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी को बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इतने, और जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना
ना किसी को खाना अच्छा से मिलता और घर में कलह भी ज़्यादा होने लगे। किस बात से हो रही है वो सारी चीज़ें आप सभी को बताएंगे। तो चलिए आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।